हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की स्टूडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आप सबको बता दें, पॉलिटिकल साइंस का टोटल दो बुक होता है, ठीक है। जो पहला बुक है, जो पहला किताब है, उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, और जो दूसरा किताब है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। और समकालीन विश्व राजनीति में हम लोग पूरे दुनिया लेवल का जो भी चीज़ होता है, यानी कि विश्व लेवल में, दुनिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल में जो भी चीज़ें हुई है, घटनाएँ हुई है, उनके बारे में पढ़ते हैं। और जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, वहाँ पर हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्र निर्माण पहला चैप्टर का नाम है, तो राष्ट्र निर्माण से लेकर के देश अभी जो चल रहा है अभी तक, यानी कि सारी घटनाओं को पढ़ते हैं जो दूसरा बुक है उसमें। और पहला बुक में हम लोग शीत युद्ध का दौर, यानी कि 1945 से लेकर के फिर वही मतलब कि अभी तक का समय को पढ़ते हैं, ठीक है। तो समकालीन विश्व राजनीति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दुनियावी लेवल का चीज़ों को पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? चलिए, तो समकालीन विश्व राजनीति का जो पहला बुक है, मतलब कि पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर, यानी कि द कोल्ड वार एरा। अब इस शीत युद्ध का दौर क्या है? तो ये एक शीत युद्ध, एक तनाव जैसा स्थिति हो गया था, ठीक है, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस चैप्टर से लगभग लगभग आपको 7 से लेकर के 14 मार्क्स, कितना? 7 से 14 मार्क्स अंक का प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है इस चैप्टर से। इसलिए ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, आपको पूरे कहानी को अच्छे से समझाएंगे, एक एक लाइन को आपको बताएंगे। इस चैप्टर का बीच से या फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको इस प्रकार का यहाँ पर तैयारी करवाएंगे, तो ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे, मेरी बातों को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो शीत युद्ध का दौर आपका पहला चैप्टर है, और सबसे पहले हम लोग कोई भी बुक शुरू करने से पहले उसका थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र क्या होता है, है ना, उनके बाद फिर चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो देखिए, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक है राज और एक है नीति, ठीक है। अब राज का मतलब होता है शासन, यानी कि वो राज कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। और नीति का मतलब होता है उचित समय, उचित स्थान या उचित कार्य करने की कला। ध्यान दीजिएगा, उचित समय, उचित स्थान पर उचित कार्य करने की जो कला है उसको बोलते हैं नीति, यानी कि पॉलिसी। तो राजनीति का मतलब, राज का मतलब समझ में आ गया, शासन करना, और उचित समय या उचित स्थान या उचित समय पर स्थान पर कार्य करने का जो मतलब कि कला होता है उसी को हम लोग राजनीति बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए राजनीति का डेफिनेशन, वह विज्ञान जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। वह विज्ञान जो कि मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं राजनीति शास्त्र। यह एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या अधिकार है, क्या क्या हम लोग का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, और नागरिकता, हम एक अच्छी देश प्रेमी होने का, ये जो है राजनीतिक शास्त्र का बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि हम सभी को अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है तथा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। नागरिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेटोडोरस को, हमने आपको कल पढ़ाया था बहुत अच्छे से। और नागरिक शास्त्र का पिता कहा जाता है अरस्तु को, और ये कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। तो ये आपका राजनीति शास्त्र का छोटा सा डेफिनेशन है, ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। अब युद्ध का दौर का मतलब तो समझ में आता है कि जैसे किसी का दौर चल रहा है ना, कोरोना का दौर चला, जैसे कोरोना कोविड-19। तो अब शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सिंपल का मतलब अगर समझेंगे, शीत का मतलब होता है ठंडा, यानी कि कोल्ड, और कोल्ड के मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ ठंडा पड़ जाना, कोल्ड पड़ जाना, यानी कि हम दोनों के बीच या लड़ाई होने वाली थी या हो रही थी, लेकिन अब क्या पड़ गया? शीत पड़ गया, यानी कि कोल्ड पड़ गया, यानी कि अब कोई युद्ध, कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। तो शीत का मतलब होता है कोई लड़ाई न होना, यानी कि तनाव जैसा माहौल होना, एक दूसरे को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को जान से मार देगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, तो उसी को बोला जाता है शीत, ठीक है। और युद्ध में यूज करेंगे इसको, तो शीत युद्ध का मतलब हो गया आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच एक तनाव उत्पन्न हुआ था, एक टेंशन, स्ट्रेस उत्पन्न हो गया था, इसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में, युद्ध की पूरी संभावना हो लेकिन फिर भी कोई युद्ध ना हो, यही है शीत युद्ध, है ना। यानी कि युद्ध ऐसा लगता है कि युद्ध होकर ही रहेगा लेकिन तब भी युद्ध नहीं होता है, इसी को बोला जाता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध का डेफिनेशन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी कलम आप निकाल करके बैठिए, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे, यानी कि ये आपका होगा वन शॉट,
एक वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त करने का मतलब करेंगे ही करेंगे, चाहे थोड़ा सा वीडियो लंबी ही क्यों ना बन जाए, ठीक है। और इनका पीडीएफ कैसे मिलेगा, आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, बैच में संकल्प बैच जो बिहार बोर्ड के लॉन्च हुआ है और अदर बोर्ड के लिए जो सफलता बैच लॉन्च हुआ है उनमें आपको कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो शीत युद्ध का मतलब आपको तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब शीत युद्ध का दौर क्या होता है, देखिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की ये पूरी कहानी है, ये याद रखिएगा और बिल्कुल मजे के साथ बैठिए, अच्छे से बैठिए और अमेरिका और समझ ही सकते हैं कि अमेरिका आ गया सोवियत संघ आ गया तो सुनने में कितना मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, जैसे कि खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन इन संकटों और लड़ाइयों से तीसरी विश्व युद्ध नहीं हुई, है ना। जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध कब से कब तक चल रहा था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, आगे भी आएगा। 1945 से लेकर के 1991 के बीच जो है शीत युद्ध चला था, 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद से लेकर के 1991 तक, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी कि सोवियत संघ खत्म हो गया था, तो इतना जो है आपका शीत युद्ध चला था, ठीक है। चलिए, शीत युद्ध के दौरान अनेक मुश्किलें अनेक संकट सामने आए थे, जैसे कि खूनी लड़ाई हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध जो है नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियां जैसे कि कोरिया, बर्लिन, कांगो और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी। कहने का मतलब है कि दोनों महाशक्ति यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कई बार जैसे कि कोरिया नामक जगह पर, बर्लिन पर, कांगो, कई अन्य जगहों पर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। कहने का मतलब है कि जैसे अगर अभी युद्ध होता तो अमेरिका और सोवियत संघ दिल्ली में आकर के एक दूसरे के सामने आ जाता, ऐसा लगता है कि अब दोनों एक दूसरे के युद्ध करते ही रहेगा, तो वैसे ही कोरिया में भी, बर्लिन में भी, कांगो में भी और भी कई अन्य जगह है जहाँ पर वो लोग दोनों एक दूसरे के सामने आए लेकिन युद्ध नहीं हुआ, और दोनों महाशक्ति का मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है। आगे देखिए, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई है क्योंकि महाशक्तियों के सहयोगी राष्ट्र युद्ध में संलग्न थे लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बच गया, यानी कि कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र में व्यापक जनहानि हुई, ठीक है, जनहानि हुई थी, यानी कि थोड़ा बहुत मतलब हुआ था, मुठभेड़ हुआ था, लेकिन महाशक्तियों का सहयोगी राष्ट्र युद्ध में संलग्न थे। कहने का मतलब है कि दोनों महाशक्ति नहीं था, उनका सहयोगी राष्ट्र था जो उनको एक दूसरे का तरफ, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था, या तो स्विस संघ की तरफ या तो अमेरिका की तरफ, है ना, तो जो उनका साथी था, जो उनका एक तरीके से बोल सकते हैं जो उनको सपोर्ट करने वाला था, वो आपस में लड़े थे थोड़ा बहुत, लेकिन स्विस संघ और अमेरिका नहीं। आगे चलकर दोनों महाशक्तियों ने युद्ध की भयावह परिणाम के डर से आपस में समझौता कर लिया, जैसे कि अस्त्र नियंत्रण कर लिया, परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। तो आगे चलकर कि ये दोनों महाशक्ति ये देखा कि भाई युद्ध का बहुत बुरा परिणाम होता है, बहुत दिक्कतें होती है, तो इन लोगों ने आपस में मिलकर के काम करना शुरू किया कि संधि कर लिया और परमाणु प्रसार संधि जो है यानी कि इस पर हस्ताक्षर कर लिया और अस्त्र नियंत्रण पर भी हस्ताक्षर कर लिया। तो ये है आपका शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का मतलब ऐसा युद्ध जो कि बिल्कुल युद्ध होने की पूरी संभावना हो लेकिन तब भी कोई युद्ध ना हो, और ये किसके बीच चला था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ठीक है। शीत युद्ध का दौर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं शीत युद्ध शुरू होने के पीछे क्या कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है शीत युद्ध के पीछे क्या कारण है। देखिए, सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न यहाँ पर बनता है। सबसे पहला कि आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब से कब तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945 के बीच तक चला था, ठीक है। किसके किसके बीच, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच ये युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका। ये जो मित्र राष्ट्र है उनकी अगुवाई कर रहा था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सबको उस वक्त में मिला हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब आपस में मिला हुआ था, ठीक है। और तो ये जो यानी कि ये चारों देश जो है, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जो है वो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहा था, वहीं पे जो धुरी राष्ट्र है उसको अगुवाई कर रहा था जर्मनी, इटली और जापान। याद रखिएगा, जर्मनी, इटली और जापान जो है वो धुरी राष्ट्रों का अगुवाई कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वहां पर लगभग जितना भी ताकतवर देश था लगभग सभी देश इस युद्ध में शामिल था, ठीक है। और यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था, यानी कि ये युद्ध इतना मतलब कि विस्तार हुआ था कि कुछ मतलब कि इसका जो फैलाव है वो पूर्व एशिया तक भी गया था, चीन तक गया था, म्यांमार तक गया था, और भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहां तक इसका जो है मतलब कि फैलाव हुआ था, ठीक है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। याद रखिएगा,
अमेरिका जो है वो कौन कौन से जगह पर, तो जापान के एक हिरोशिमा नामक जगह है और एक नागासाकी जगह है, इन दोनों पर परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? अगस्त 1945 में, ठीक है। और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। और जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ठीक है, तो उनके बाद जो जापान है वो आत्मसमर्पण कर दिया था, और जिससे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। जर्मनी तथा जापान हार चुके थे, यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। यानी कि जर्मनी और जापान तो हार चुका था, लेकिन जो यूरोप है और जो भी पूरी दुनिया जो भी बर्बाद हुआ था इसके वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, वो लोग इसका पूरा मार झेल रहे थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ की महाशक्ति बनने की होड़ में कि हम महाशक्ति बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे के कंपेरिजन करते करते क्या हो गया कि दोनों के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था, और जिसके कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है शीत युद्ध शुरू होने के। आपको बता दिए किस तरीके से युद्ध हुआ, कौन कौन अगुवाई कर रहा था, मित्र राष्ट्र का अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, धुरी राष्ट्र का आपका कर रहा था जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सारा चीज़ आपको बता दिए। अब हम लोग थोड़ा सा आसान शब्दों में देख लेते हैं शीत युद्ध के बारे में, छोटा सा बस फटाफट देखिए। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाए जिससे लगे कि युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। यही डिफिनेशन को आपको लिखना है। ठीक है, दो या दो से अधिक के बीच ऐसा स्थिति बन जाता है कि युद्ध होकर के ही रहेगा लेकिन तब भी कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका रहती है, डर रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष रहता है, यानी कि युद्ध का पूरा डर हुआ रहता है, डर का माहौल, तनाव का माहौल, संघर्ष बिल्कुल एकदम एक दूसरे पर हो, एक जो भी फौजी होता है दोनों की तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से, दोनों युद्ध करने वाले की तरफ से, वो लोग संघर्ष भी करता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। इसे ही कहा जाता है शीत युद्ध। अच्छा, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, अब ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। शीत युद्ध जो है वो आपका हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1945 के बाद। आपको ऑप्शन में अगर दे देगा कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ, ऑप्शन में द्वितीय विश्व युद्ध दे देगा तो इस पे लगाना है, या फिर ऑप्शन में अगर 1945 दे देगा तो इस पे लगाना है, या फिर 1945 के बाद देगा तो इस पे लगाना है। ठीक है, चलिए। और ये जो युद्ध है शीत युद्ध वो किसके बीच चला था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसए है ना, और सोवियत संघ के बीच। शीत युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर के 91 के बीच शीत युद्ध चला था, अभी हमने आपको बताया। और शीत युद्ध अंत होने का मुख्य कारण था सोवियत संघ का विघटन, यानी कि 1991 में जो सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ टूट करके टोटल 15 देश बना था, कितना देश, 15 देश। तो जो 1991 में सोवियत संघ देश टूट गया उनके बाद शीत युद्ध भी खत्म हो गया, तो ये मुख्य रूप से कारण है। ठीक है, तो ये हो गया आसान शब्दों में आपको शीत युद्ध का मतलब समझा दिए, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको बता दिए। अब थोड़ा सा अपरोध का मतलब समझ लिए, अपरोध का मतलब क्या होता है, रॉक और संतुलन। देखिए, परमाणु युद्ध की सूरत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विजेता कौन होता यह तय करना भी असंभव है ना, यानी कि जब परमाणु युद्ध होगा क्योंकि दोनों के पास परमाणु है तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोई ना कोई तो विजेता होता, लेकिन कौन होता ये तय करना बिल्कुल असंभव है क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार थे जो एक दूसरे को विनाश कर सकते थे, है ना। अमेरिका के पास भी और रूस के पास भी बहुत ही ज़्यादा परमाणु हथियार था जिससे कि वो एक दूसरे को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता था। दोनों ने इस बात को समझा और युद्ध रोकथाम करने का प्रयास किया जिसे अपरोध कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों इस बात को समझा भी और कहा कि नहीं, युद्ध वगैरह करेंगे तो भाई पूरे मेरा भी देश बर्बाद, तुम्हारा भी देश बर्बाद, इसलिए सही यही है कि बस समझौता कर लो, और एग्रीमेंट वगैरह किया, और फिर जो है फाइनली यहाँ पर मतलब कि इसी बात को समझा, मतलब कि शीत युद्ध और नहीं हुआ, यानी कि कोई युद्ध नहीं हुआ इसलिए शीत युद्ध कहा गया, और इस बात को समझा और युद्ध रोकथाम करने का प्रयास किया जिसे कहा जाता है अपरोध। ठीक है, समझ में आ गया अपरोध का मतलब। अब देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सुनिएगा। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जो है आपका अक्सर पूछा जाता है। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, दोनों महाशक्तियां विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना दबदबा बनाने में लगा था, दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बट गई थी, यानी कि साफ साफ दिख रहा था कि जो पूरी दुनिया है वो दो गुटों में बट रहा है ना, क्योंकि दोनों महाशक्तियां, इधर अमेरिका अपना दबदबा मतलब कि बनाने में लगा था, उधर सोवियत संघ भी अपना दबदबा बनाने में लगा था, तो ऐसा लगने लगा कि दोनों गुटों के बीच मतलब कि दो ध्रुवीय का आरंभ जो है यहीं से लगने लगा कि शुरुआत हो गया है ना। ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए है ना किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए। जुड़ जाने से इन देशों को हथियार और आर्थिक मदद मिलती थी, यानी कि ऐसे में कोई भी देश के पास, क्योंकि एक सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्ति था, अब कोई देश के पास सिर्फ एक ही दो ही ऑप्शन था, या तो आप सोवियत संघ के साथ मिल जाओ या अमेरिका के साथ। अगर नहीं मिलता था तो फिर इनको सुरक्षा नहीं होती थी, और जब मिल जाता था तो इनको हथियार और आर्थिक मदद मिलता था,
है ना। इस तरह महाशक्तियों के नेतृत्व में पूरी दुनिया दो खेमों में विभाजित हो गया। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप का अधिकतर देश जो है वो लिया सोवियत खेमे में शामिल हो, यानी कि सोवियत संघ का मतलब कि सोवियत संघ का पक्ष लिया। ठीक है, अमेरिका का पक्ष लिया पश्चिमी यूरोप का देश, और पूर्वी यूरोप का देश जो है वो आपका सोवियत संघ का मतलब कि पक्ष लिया। तो याद रहेगा आप लोगों को द्विध्रुव का आरंभ कैसे कैसे हुआ, सारा चीज दबदबा बनाने के कारण और किस किस तरीके से। आगे हम लोग देखेंगे नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो के बारे में पूछा जाता है। नाटो क्या है? तो एक प्रकार का संधि है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं नाटो। ठीक है, ये नाटो जो है वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था। सिंपली कोई भी संधि लाने का मेन मकसद क्या होता है कि जैसे संधि का मतलब क्या हो गया कि 10 देश है, अब 10 देश मिला लिया, मिला करके एक संधि बनाया, अब होगा क्या उससे, तो कोई भी अगर दूसरा देश उस 10 देश के अलावा कोई दूसरा देश अगर उस 10 देश में से किसी भी एक देश पर हमला करता है, ध्यान से सुनिए, कोई दूसरा देश उन 10 देशों में से कोई किसी भी देश पर हमला करता है तो ये 10 देश समझेगा कि हम लोगों पर हमला हुआ है, इसलिए ये लोग मिलकर के फिर उस पर हमला करेगा। ठीक है, चलिए। तो उत्तरी अटलांटिक संगठन की स्थापना पश्चिमी गठबंधन ने 1949 में की जिसमें 12 देश शामिल थे। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना पश्चिमी गठबंधन ने किया था, यानी कि अमेरिका ने किया था। कब किया? 1949 में, जिसमें कितना देश शामिल था उस वक्त में? 12 देश। तो स्थापना जब 1950 में हुआ था उस वक्त में 12 देश शामिल था नाटो में, याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका का था, अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मजबूत करना था। कहने का मतलब है ये जो नाटो का स्थापना हुआ था वो सिर्फ इसीलिए हुआ था कि जो भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो आर्थिक रूप से भी और सैनिक शक्ति के रूप से भी मजबूत हो। ठीक है, नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी कि अभी हमने आपको बताया कि ये नाटो संगठन में टोटल 12 देश शामिल हुआ था, तो इन देशों का कहना था कि इन 12 देशों में से कोई तीसरा देश आकर के अगर 12 में से किसी एक पर भी हमला करता है तो ये 12 समझेगा कि हम पर हमला किया है और ये 12 मिलाकर के उस पर हमला करेगा। ठीक है, तो नाटो ने ये घोषणा किया उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1950 में अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। नाटो का गठन कब किया गया? 4 अप्रैल 1950 में। कहाँ पर? अमेरिका के वाशिंगटन में, अमेरिका के वाशिंगटन में। स्थापना के वक्त कुल टोटल 12 देशों ने मिलकर इसका गठन किया था, याद रखिएगा कितना, 12। तो नाटो का गठन 4 अप्रैल 1950 को अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया, टोटल जो शुरुआत में देश है वो है 12। अब अभी वर्तमान में टोटल 30 सदस्य है, कितना है? 30 सदस्य, याद रखिएगा 30। ठीक है, तो आपको नाटो के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं वर्षा संधि के बारे में, यानी कि वर्षा पैक्ट के बारे में। और वर्षा पैक्ट से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, नाटो से भी पूछे जाते हैं, वर्षा पैक्ट से भी पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ध्यान से सुनने के लिए कह रहा हूँ। देखिए, वर्षा संधि, वर्षा पैक्ट, पूर्वी गठबंधन, और ये जो वर्षा संधि है वो सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया? 1955 में। बस ये दोनों पर प्रश्न यहाँ से बनता है, यही दोनों ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, पूर्वी गठबंधन अर्थात सोवियत संघ ने 1955 में नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करने के लिए वर्षा संधि की, है ना, यानी कि नाटो का जो भी देश है उनसे मुकाबला करने के लिए इन्होंने भी एक संधि बनाया जिसका नाम पड़ा वर्षा संधि। कब बनाया? 1955 में। ठीक, महाशक्तियों ने अपने गुट में छोटे छोटे देशों को शामिल करने के लिए अपने शक्तियों का भी इस्तेमाल किया। यानी कि जो महाशक्ति है, कोई कोई छोटा देश ऐसा भी था जो कि चाहता था कि हम नहीं जुड़ेंगे तो हम अकेले रहेंगे, तो इन लोगों ने अपना बल प्रयोग के द्वारा, शक्ति के द्वारा, ये भी इसका भी प्रयोग कर करके सभी देशों को अपने आपस में शामिल किया। ठीक है, छोटे छोटे देशों को, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण यूरोप, एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन संगठनों को सीटो तथा सेंटो कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले तो महाशक्तियों ने अपना गुट छोटे छोटे देशों में शामिल करने के लिए शुरू कर दिया था। यानी कि वो लोग क्या काम किया कि जो भी देश नहीं आना चाहता था उनको भी अपनी ओर, चाहे बल से हो जैसे हो, अपनी ओर खींचने लगा। और इधर फिर पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया है और इस संगठनों को ही कहते हैं सीटू और सेंटू। कहाँ पर अपनाया था? पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में, वहाँ पर उन लोगों ने और भी संधि बनाया, एक संधि का नाम रखा सीटू, एक रखा सेंटू। ठीक है, सीटू तथा सेंटू के जवाब में सोवियत संघ, साम्यवादी चीन ने वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ मजबूत संबंध बना लिया। और जब सीटू तथा सेंटू के जवाब में जो सोवियत संघ है, साम्यवादी चीन है और वियतनाम है, उत्तरी कोरिया है, ध्यान रखिएगा, एक है आपका सोवियत संघ, साम्यवादी चीन और वियतनाम, ये सारा जो मिल करके है एक गठबंधन, मजबूत संबंध बना लिया सीटू और सेंटू के जवाब में, यानी कि इसके खिलाफ में, किसके खिलाफ में? सीटू और सेंटू के खिलाफ। अब सीटू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ ईस्ट
एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, तो सीटी सेंटो समझ में आ गया, और नाटो का तो आपको अभी बताया हम, नेशनल सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो का क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का फुल फॉर्म, सीटो का फुल फॉर्म और सेंटो का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग ये पीडीएफ को चाहते हैं कि सर ये पीडीएफ को कैसे प्राप्त करें, तो आप सबको पता होगा हम लोग जो है संकल्प बैच शुरू किए हैं बिहार बोर्ड के लिए, और बाकी जो बिहार बोर्ड से अलग हैं, जो दूसरे बोर्ड से, उनके लिए हम लोग सफलता बैच शुरू किए। कि कौन सा बैच? सफलता बैच। ठीक है, तो संकल्प बैच में आपको जो है पूरे तरीके से पीडीएफ दिया जा रहा है, कोर्स जो बोलता है जिसमें आपको लाइव क्लास होगी वहाँ पर, यहाँ पर जैसे एक चैप्टर हम लोग आपको यूट्यूब में पढ़ा देंगे, तो इनके बाद जो जितना भी चैप्टर है वो आपको कहाँ पर होगी, तो वो आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है, ऐप का नाम तनु क्लासेस है, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। उनको डाउनलोड करने के बाद कोर्स में जाना है, और अभी ऑफर चल रहा है 500 स्टूडेंट के लिए, यानी कि फर्स्ट 500 स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपया ही देना पड़ेगा, बाकी इनके बाद फिर प्राइस इसका जो है दुगुना हो जाएगा, या थोड़ा सा दुगुना से कम रहेगा, लेकिन इसका प्राइस फिर बढ़ जाएगा। तो सिर्फ ये और 500 स्टूडेंट के लिए ही है, और आप लोग का क्लास 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई अगर बाद में जुड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़िए, क्लास सारा बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। लाइव क्लास होने के बाद फिर कोई बच्चा किसी कारणवश, क्योंकि हम लोग किसान के बच्चे हैं, है ना, तो किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है आप बाद में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइव क्लास होगी, डाउट वगैरह बिल्कुल आराम से सॉल्व होगा, क्विज वगैरह होगा उसमें, उनमें पीडीएफ वगैरह हर तरह का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ ही साथ नोट्स, उनके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी करवाया जाएगा, यानी कि जितना भी आपको ज़रूरत है सारा चीज़ आपको वहाँ पर दिया जाएगा। कोर्स का नाम संकल्प है, एक बार आप जाकर के ज़रूर विजिट करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ पर देखा वर्षा संधि के बारे में, नाटो के बारे में, अब हम लोग देखेंगे छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे, यानी कि छोटे देश ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण वो जो है महाशक्तियों का बड़ा काम आता था। सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान, जैसे कि तेल और खनिज है, वो ज़्यादातर छोटे देशों में होता था, है ना, तो महाशक्ति उनको कब्जा कर लेता था कि भाई इनके पास तेल खनिज है, इसे तो माल होगा। फिर जो भू क्षेत्र है, यानी कि हथियार और सेना का जो संचालन के लिए जो जगह था, भू क्षेत्र जमीन के अंदर की जगह था, उनके कारण भी वो बहुत बड़े काम के थे, बड़े बड़े देशों के लिए छोटा देश। ठीक है, सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे का जासूसी कर सके, सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे का जासूसी कर सके, उनको भी उनके भी मतलब कि एक तरीके से छोटे देश क्या कहता है, छोटे देश को लेता था, क्योंकि वो लोग चाहता था कि सैनिक ठिकाना हो, यानी कि महाशक्तियाँ जो है एक दूसरे का जासूसी करे, तो वो जासूसी करने के लिए क्या करता था, जो भी छोटा देश होता था, छोटा द्वीप होता था, उनको किसी तरीके से माल देके जैसे भी करके अपनी ओर खींच लेता था। और लास्ट में है आर्थिक मदद, यानी कि आर्थिक मदद भी छोटे छोटे देशों को बहुत मिलता है अगर वो महाशक्ति के साथ जुड़ जाता है तो। ठीक है, यह ऐसा कारण था जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते हैं। आप अपने शब्दों में और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पूंजीवाद। जब व्यक्ति अपने संपत्तियों का मालिक खुद होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, उसको बोलते हैं पूंजीवाद। यानी कि जब कोई आदमी है जो कि अपने पूरे सामान का मालिक खुद है बना हुआ, तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। इसमें एक जो घाटा है वो ये है कि वो मनमर्जी का कर सकता है इसमें। जैसे मान लेते हैं उसको सैलरी देना हो 3,000, तो वो 3,000 सैलरी देगा, 5,000 देगा ही नहीं देगा। वो चाहेगा तो 5,000 दे सकता है, वो जाएगा तो उससे ज़्यादा भी दे सकता है, क्योंकि पूंजीवाद है, मनमर्जी उसी का चलेगा, मालिक वो खुद है। समाजवाद, व्यक्ति इसके संपत्ति सरकार के नियंत्रण में हो, है ना। समाजवाद का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति का संपत्ति है वो सरकार के कंट्रोल में हो, सरकार के नियंत्रण में हो। ठीक है, तो पूंजीवाद का मतलब समझ में आ गया, समाजवाद का मतलब समझ में आ गया, छोटे देश क्यों आखिर रहते हैं, महाशक्तियों के बड़े काम क्यों आते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये है क्यूबा का मिसाइल संकट। अभी हमने देखा कि वो लोग छोटे देश के साथ संधि इसलिए करते थे ताकि अपना सैनिक ठिकाना ढूंढ सके। ठीक है, तो क्यूबा जो है एक जगह का नाम है, और यहाँ पर भी सोवियत संघ के द्वारा वही किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारा हथियार रखा गया था अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका के बहुत बगल में है। ठीक है, अब देखते हैं क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक अभी तक किए या नहीं किए आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए, क्यूबा का मिसाइल संकट, ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए देखिएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी कि जो क्यूबा है वो अमेरिका का जो तट होता है, यानी कि जो अमेरिका का सीमा होता है, उसी से सटा हुआ एक द्वीपीय देश है। ठीक है, ये नज़दीक तो अमेरिका का है, लेकिन क्यूबा का जो जुड़ाव है वो कहाँ था, सोवियत संघ से था। यानी कि ये अमेरिका का नज़दीक तो था, लेकिन इसका जो जुड़ाव है, संबंध जो है, वो था सोवियत संघ से, और सोवियत संघ उसे आर्थिक तथा वित्तीय सहायता भी देता था। यानी कि जो सोवियत संघ है वो उनको आर्थिक सहायता के साथ साथ वित्तीय सहायता भी देता था, है ना, मदद वगैरह उनको अच्छा खासा करता था सोवियत संघ। और अप्रैल 1961 में USSR यानी कि सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी थी कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल कब, अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगा था कि जो अमेरिका है वो क्यूबा पर हमला कर देगा। इसलिए 1962 में सोवियत संघ के नेता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी अमेरिका के खिलाफ, है ना। तो अप्रैल 1951 में इसको ऐसा लगा कि शायद उसको शक हो गया होगा अमेरिका को, तो अमेरिका शायद हो सकता है कि क्यूबा पर हमला कर दे, ऐसा सोवियत संघ को लगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 1962 में ऐसा उनको लगा, इसलिए उन्होंने जो है 1962 में सोवियत संघ के नेता जो जिसका नाम क्या था, ख्रुश्चेव, क्या नाम था, ख्रुश्चेव, वो जो है क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के तरफ परमाणु जो है वो तैनात कर दिया। ठीक है, इसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगा था और दोनों के बीच युद्ध का माहौल बन गया था जिससे पूरी दुनिया डरी सहमी हुई थी। यानी कि इसका पता जो अमेरिका है उनको 3 हफ्ते के बाद पता चला था। इसी वजह से दोनों के बीच ऐसा लगा कि अमेरिका को भी पता चल गया अब हो सकता है कि युद्ध बहुत बड़ा हो, जिससे पूरी दुनिया क्या था, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। क्यूबा में तैनात मिसाइलों से अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया था। यानी कि क्यूबा में जो भी मिसाइल तैनात किया गया था, इससे जो अमेरिका है वो बहुत ही निशाने के करीब आ गया था, यानी कि हो सकता था कि अब वो ख़त्म हो जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ से जाने वाले सोवियत जहाज को रोका जाए, है ना। और अमेरिका ने जो भी जंगी बेड़ों हैं उनको आगे कर दिया कि क्यूबा की तरफ से जो भी जाने वाले सोवियत जहाज है उनको रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा, है ना। क्योंकि सोवियत संघ जब अमेरिका को पता चल गया तो सोवियत संघ वापस जा रहा था, तो अमेरिका जो है वो अपना मतलब कि वो कहा कि नहीं जाकर के उनको रोको, वो अपना जंगी बेरों को इस बात को कहा। क्यूबा मिसाइल संकट युद्ध का चरम बिंदु था, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट ही एक ऐसा संकट था जहां पर लग रहा था कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, चरम बिंदु था। हालांकि इससे दोनों महाशक्तियों के बीच कोई व्यापक रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा, यानी कि दोनों महाशक्तियों के बीच कोई भी और युद्ध नहीं हुआ, खून व खराबा, रक्त रंजित वगैरह कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और दुनिया तीसरा विश्व युद्ध से बच गया, और दुनिया जो है तीसरा विश्व युद्ध से बच गया, क्योंकि अगर इनकेस एक दूसरे पर हमला करते थे, दोनों ताकतवर थे, तो दोनों के बीच कुछ भी हो सकता था। ठीक है, इस घटना को क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, और इसी घटना को तीसरा विश्व युद्ध से जो बच गया, इसी घटना को कहा जाता है क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई। तो पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवाई है वो कौन करता है, अमेरिका करता है। अभी हमने आपको बताया अमेरिका कर रहा था, और ये चाहता था उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक। ठीक है, तो पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई जो है वो अमेरिका कर रहा था, और ये क्या चाहता था, उदारवादी लोकतंत्र चाहता था, पूंजीवाद का ये समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवाई जो है वो सोवियत संघ कर रहा था, जो समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई अमेरिका, पूर्वी गठबंधन का अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था, और ये समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित था पूर्वी गठबंधन, और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी पर। ठीक है, समझ में आ रही है आपको। चलिए, अमेरिका कर रहा था पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई, जो कि उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद का समर्थक था। आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए, शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसा भी देश था जो कि अपने को दोनों महाशक्तियों से दूर रखना चाहता था। यानी कि जैसे अभी हमने को बताया दुनिया टोटल 2 खेमों में बढ़ गई थी, एक है सोवियत संघ, एक है अमेरिका। लेकिन कुछ कुछ देश ऐसा भी था जो कि बिल्कुल वो जाना ही नहीं चाहता था, ना ही वो अमेरिका की तरफ जाना चाहता था, ना ही वो सोवियत संघ की तरफ। ठीक है, तो वो जो है बिल्कुल अलग रहने का फैसला किया, वो जो है क्या रहने का फैसला किया, अलग रहने का, कि नहीं हम किधरों नहीं जाएंगे, हम जो है बिल्कुल अलग रहेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसा देश था जो अपने को दोनों महाशक्तियों से दूर रखना चाहता था, और जिसका उद्देश्य विश्व शांति था, और इसका उद्देश्य क्या था कि पूरी दुनिया में शांति हो। इसे ही कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसे क्या कहते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, अब देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म है वो हुआ था युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्म में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे इनकरों ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। ध्यान रखिएगा, टोटल कौन 5, क्या क्या है, एक है युगोस्लाविया का शासक है जिनका नाम है जोसेफ ब्रोज टीटो था, और एक भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, और मिस्र के एक था जमाल अब्दुल नासिर। इन लोगों ने मिलकर के 1956 में एक ऐसा बैठक किया जो कि सफल हुआ, और एक वहाँ पर मतलब कि इंडोनेशिया सुकर्नो और घाना के वामो इनकरों ने इनका जोरदार समर्थन किया।
बैठक हुआ, सफल हुआ 1956 में। उनके बाद जो भी सुकर्नो था, घाना था, इनक्रोमा था, ये लोग जो है इनका मतलब कि जोरदार समर्थन किया। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे, इनक्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया और ये पांचों नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। यानी कि जो पांच नेता है ये आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या कहलाया, संस्थापक। ठीक है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में, कहाँ पर, बेलग्रेड में हुआ था। पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन पहला कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में। कहाँ पर, बेलग्रेड में, कब, 1961 में। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में टोटल देश आया था 25, यानी कि जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वहाँ पर 25 सदस्य देश जो है शामिल हुआ था। ठीक है, 2019 में अजरबैजान में हुई, यानी कि ये जो सम्मेलन है 2019 में कहाँ पर हुआ, अजरबैजान में, जिसको 18वीं सम्मेलन कहा जाता है, और उसमें टोटल कुल देशों की संख्या हो गया 120। ठीक है, तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, और उस वक्त में देशों की संख्या 25, और 2019 में 18वीं सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, अजरबैजान में, और टोटल देशों की संख्या 120। ठीक है, आगे देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है तो उसके जो संस्थापक कौन कौन है, तो अभी हमने को बताया, एक था जोसेफ ब्राज टीटो जो कि कहाँ का था, युगोस्लाविया का था, युगोस्लाविया का। एक जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का, एक है जमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र का। ठीक है, एक है सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया का, एक है वामी इनक्रुमा घाना, जिसको हम लोग लड़ाकू राजा कहते हैं, घाना का मतलब। ठीक है, तो ये सभी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है, वाने इनक्रुमा, घाना, लड़ाकू राजा। चलिए अब आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में तीन बातें परिणति थी अर्थात केंद्र बिंदु थी जिस पर ध्यान हो, यानी कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में तीन बातों को ज्यादा महत्व दिया गया था। सबसे पहला, इन पांचों देशों के बीच सहयोग, सिद्ध युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र देशों का नाटकीय उदय। ठीक है, तो ये पांच देशों के बीच सहयोग हुआ, सिद्ध युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय फलक और बहुत से नव स्वतंत्र देशों का नाटकीय उदय। ठीक है, तो ये जो है आपका गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में तीन बातें थी, परिणति थी अर्थात केंद्र बिंदु थी जिस पर आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए, नौ यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसको बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसको क्या बोलते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नौ यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो, ताकि उत्तर दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसको बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जहाँ पर क्या होता है कि जो नई अर्थव्यवस्था है, जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, वो क्या करेगा, जो वर्तमान वाला भी अर्थव्यवस्था है उसको समाप्त कर देगा। इससे क्या होगा कि जो भी विकसित देशों के द्वारा, जो भी अविकसित देशों का अपनिवेशन किया जा रहा था, जैसे अंग्रेजों के द्वारा भारत पर किया जा रहा था, ठीक है, तो ये जो है रुक जाएगा, ये शोषण जो है रुक जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान दो देशों के विवाद को लेकर उनके बीच मध्यस्थता करते थे, यानी कि दो देशों के बीच जो विवाद हुआ था शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो इन दोनों के बीच तालमेल सही हो, मध्यस्थता हो, यानी कि दोनों एक दूसरे का कोई भी जो खिलाफ है तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाए, सुलट जाए, है ना, तो गुटनिरपेक्ष ये काम कर रहा था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला, यानी कि जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश थे शामिल, अधिकांश देश थे, उनको क्या मिला, अल्प विकसित देश का दर्जा मिला। ठीक है, नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण था, अन्यथा धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता, यानी कि नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी जो आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण था, अन्यथा क्या होता कि धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, और इसी वजह से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखिए, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास के संबंधित सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया था कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधारों से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, 1972 में संयुक्त संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में एक रिपोर्ट जिसका नाम है टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए, विकसित होने के लिए एक न्यू ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार, तो न्यू व्यापार का जो है एक पॉलिसी लाया गया, एक नीति प्रस्तुत किया गया, जिसमें क्या क्या कहा गया, तो जिसमें कहा गया
कि अगर वैश्विक व्यापार में प्रणाली में सुधार कर देंगे तो इससे अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। यानी कि जो भी अल्प विकसित देश था, जैसे किसी के पास तेल था, किसी के पास कोई भी चीज़ था, तो उन पर जो अधिकार है वो बड़े बड़े देशों के द्वारा था, विकसित देशों के द्वारा था, ठीक है। तो ये अगर बन जाता तो उस पर जो अधिकार है वो अब बड़े देशों का नहीं, वो उसी का होता जिसका रहता, जो देश में होता, ठीक है। अल्प विकसित देशों की पहुँच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, और अल्प विकसित देश जो है उनका भी पहुंच कहाँ पर होगा, पश्चिमी देश के बाजार तक होगा। पहले क्या होता था, जो भी विकसित देश होता था वही एक से दूसरे जगह जाता था व्यापार करने के लिए, लेकिन अल्प विकसित देश में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, यानी कि जो भी पश्चिमी देशों से मंगाई जाने वाली जो भी प्रौद्योगिकी है इनकी लागत भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपका यहाँ पर समझ में आ गया 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित जो भी सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इन बातों पर गौर किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और शीत युद्ध, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार भी है और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। यानी कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, भारत भी तो उसका संघ था ना, भारत ही तो स्थापना किया था, टोटल पांच देश मिलकर के। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका को निभाया था। पहला स्तर, भारत को दोनों महाशक्तियों की खेमाबंदी से अलग रखना, यानी कि पहला स्तर क्या था, भारत को दोनों महाशक्तियों की जो भी खेमाबंदी है इससे अलग रखना। दूसरा स्तर, भारत उपनिवेशों के जंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया, है ना। यानी कि उपनिवेशों के चुंगल से जो मुक्त हुआ था तो वो नव स्वतंत्र देशों का जो भी महाशक्ति था उन पर जो भी, जैसे कोई देश आजाद हुआ तो अब वो क्या करेगा, या तो स्विस संघ की ओर जाएगा या अमेरिका की ओर जाएगा, तो भारत इसका खिलाफ कर रहा था, ठीक है। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता थी, बल्कि भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूदा मतभेदों को कम करने की कोशिश की। यानी कि भारत जो है नकारात्मक का मतलब कि वो दोनों के खिलाफ भी नहीं था, है ना, और दोनों के सपोर्ट में भी नहीं था, बस भारत चाहता था कि दोनों के जो भी बीच मतभेद है वो समाप्त हो जाए और शांति हो जाए और दोनों मिल करके रहे, ठीक है। दोनों गुट भारत को संधि की नज़र से देखता था, यानी कि दोनों गुट, इधर सोवियत संघ भी उधर अमेरिका भी, दोनों भारत के खिलाफ नहीं था, वो भारत को एक संधि के रूप में देखता था। कहने का मतलब है कि भारत ही कुछ कर पाएगा, ऐसा वो लोग देखता था, ठीक है। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। जैसे कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। यानी कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर कई कारणों से आलोचना होता है इनका। सबसे कारण क्या बताया जाता है कि कोई भी इंटरनेशनल वाला मामला होता है तो भारत जो है वो चुप्पी बैठ जाता है, वो कुछ कहता नहीं है। जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा था क्या है, यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हुआ है ना। अब यूक्रेन जो है वो अमेरिका के तरफ से, यानी कि अमेरिका यूक्रेन का सपोर्ट में, रूस तो हम लोग का दोस्त है ही, अमेरिका भी उधर है, अब हम लोग किसका सपोर्ट करें, रूस का करें या यूक्रेन का करें। अब यहाँ पर आदमी दुविधा में फंस जाता है, तो भारत ऐसे कदम में क्या करता है, वो पीछे हट जाता है, क्योंकि अगर किसी का भी करेगा तो एक दूसरे में बन जाएगा, है ना। तो नीति के कई कारणों से इस बात का आलोचना बहुत ज़्यादा हुआ है भारत का, कि वो कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है, वो एक तरफ नहीं होता, या तो इधर या तो, मतलब कि दोनों तरफ होता है, या तो दोनों तरफ होता है तो किसी के तरफ नहीं होता, लेकिन एक तरफ नहीं, ठीक है। वैसे ही इसराइल और फलस्तीन में भी हुआ था कि भारत जो है फलस्तीन इसराइल दोनों के सपोर्ट में था, ठीक है ना। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ से आपसी मित्रता के संधि पर हस्ताक्षर किया, और अगस्त 1971 में भारत जो है वो सोवियत संघ से एक मित्रता के संधि पर हस्ताक्षर किया। जबकि गुटनिरपेक्ष का आशय यह है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिगलग्गू बनने की जरूरत नहीं, है ना। गुटनिरपेक्ष का मतलब यही है कि चाहे आप कितना भी गरीब हो जाए लेकिन विश्व का कोई भी बड़ा देश हो उससे कोई भी मदद लेने का जरूरत नहीं है, उसका पिगलग्गू और उनका पिगलग्गू बनने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये है फुल फॉर्म, सब कभी कभी पूछ लेता है, देख लीजिएगा। नाटो का क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो का होता है साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो होता है द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो, सीटो, सेंटो ये सभी अमेरिका के द्वारा लाया गया था। नाटो का डेट आपको बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा 1949 को, नाटो 1949 को लिया गया था। मार्शल योजना जो कि अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कब किया गया था, 1948 में, ठीक है। बाकी हम लोगों का देश कब आजाद हुआ, 1947 में, यानी कि एक साल के बाद मार्शल योजना और उसके एक साल के बाद नाटो, ठीक है। अब आगे देखिए, सीमित परमाणु परीक्षण, सीमित परमाणु परीक्षण संधि जिसको बोलते हैं LTBT, यानी कि सीमित, ये सीमित आपका लिखा हुआ, सुमित नहीं, सीमित, यानी कि लिमिटेड, है ना। LTBT जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो इसमें क्या था कि वायुमंडल बाहरी अंतरिक्ष तक
पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मास्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह 7 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। यानी कि कहने का मतलब है, ना तो वायुमंडल, ना तो बाहरी अंतरिक्ष, ना ही पानी के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ये पांचों वीटो पावर देशों के द्वारा, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया। कहाँ पर? मास्को में 5 अगस्त 1963 को, ठीक है, ये चीज़ का हस्ताक्षर हुआ। सारा चीज़ों का कि कहाँ पर सोवियत संघ ने मास्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर वगैरह किया सारा चीज़। और यह 7 अक्टूबर से, यानी कि 2 दिन, मतलब कि 1 महीना 2 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीना 2 दिन के बाद से फिर ये जो LTBT है, सुमित प्रमाण परीक्षण है, वो लागू हो गई, प्रभावी हो गई, ठीक है। आगे आप देखिएगा परमाणु अपसार संधि, जिसको बोलते हैं NPT, ये क्या है? यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ATM हथियार रखने की अनुमति देती है। कहने का मतलब है कि जिनके पास 2 ATM वगैरह है, ठीक है, तो केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की जो है अनुमति देता है, ठीक है। एटमी हथियार का मतलब क्या हो गया कि जो भी एटम वगैरह परमाणु वाला जो भी शक्ति है, वो सिर्फ किसके शक्ति संपन्न, यानी कि जो विकसित देश है, उन्हीं को रखने का ये परमिशन देता है, और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। और जो भी बाकी देश है, उनको कहता है कि तुम ये परमाणु शक्ति नहीं रख सकता है। परमाणु प्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया, और इसी से, यानी कि परमाणु प्रसार संधि के उद्देश्यों को इसको ध्यान में रखते हुए उन देशों को क्या माना गया? परमाणु शक्ति से संपन्न देश, ठीक है, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोट परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। तो इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश, अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया, ठीक है। चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा अगर ध्यान से कि परमाणु शक्ति से संपन्न देशों माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोट परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। कहने का मतलब है कि 1967 से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी परमाणु वगैरह रखा था, तो उनको परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। ये सारा चीज़ आपका परमाणु प्रसार संधि में लिखा हुआ था NPT में, ठीक है। बाकी उनके बाद जो भी रहेगा इस परीक्षा के अंतर्गत 5 देश, अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में इसको रूस कहा गया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए, और यह संधि 5 मार्च 1970 को 70 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसको जो है फिर बाद में 1995 में अनियत काल के लिए इस परमाणु प्रसार संधि को, यानी कि NPT को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो NPT और सीमित परमाणु परीक्षण, ये फुल फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उनके बाद भारत और शीत युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इधर फिर आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना है। PDF वगैरह लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है।